हेलो जी नमस्ते, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आज का सीन कुछ ऐसा है कि हम लोग जा रहे हैं दिलीप भाई के साथ सीमा सिस्टर का इनविटेशन, शादी इनविटेशन देने के लिए कार्ड छप, मतलब कार्ड बंटवाने के लिए दोस्तों, बांटने के लिए दोस्तों, छपाने के लिए नहीं, बंटवाने के लिए नहीं, बांटने के लिए जा रहे हैं। यानी कि शादी आना, शादी में जरूर आना करके। तो बस दिलीप भाई का वेट कर रहा हूँ मैं, नहा कर फ्रेश हो गया हूँ, तैयार हो गया हूँ, जैसे वाला। हाँ तो चलो वेट करते हैं दिलीप भाई का, उसी की गाड़ी में जाएंगे। दिलीप भाई भी आ गया, अपन चले अब इन्विटेशन देने के लिए। फिर पगल लगा है लड़का। तो भाई लोग हम इन्विटेशन देते देते पहुंच गए हैं डोंडरा। अभी यहां पर जाएंगे, इस घर में देंगे इन्विटेशन कार्ड शादी का। उसके बाद यहां से जाने का बहुत दूर लंबा टूर जाना है, इसके बाद उसका भी सीन दिखाएंगे आपको। तो भाई लोग हम लोग रास्ता भटक गए हैं, किसी के खेत साइड आ गए हैं, देख सकते हो। पता नहीं यार कहाँ जा रहे हैं, रास्ता तो सही पूछे थे, बट हम लोग थोड़ा सा अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगा लिए और थोड़ा सा खेत साइड आ गए हैं, पता नहीं। और आगे जा रहे हैं, आगे जाकर पता करते हैं आगे का सीन क्या है, उसको दिखाएंगे आपको। और दोस्तों इधर मैप भी नहीं चलता क्योंकि इंटरनेट स्लो है, मतलब इंटरनेट ही नहीं चलता इधर जंगल में। और बोले तो हमने ऑफलाइन मैप भी डाउनलोड नहीं किया यार, क्या करें, फंस गए हैं। फिर भी हम लोग जा रहे हैं ढूंढते ढूंढते, और पानी भी प्यास लगी है, नल मिला बट नहीं पियेंगे, आगे जाकर देखते हैं सीन क्या है उसको। तो भाई लोग हम लोग अभी हैं दिलीप भाई के फैमिली के गांव। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। तो दोस्तों इस गांव का नाम कोरा है, तो यहाँ दिलीप भाई का फैमिली वाला गांव है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा आराम किए, अभी बज रहे हैं 3 दिन के। अभी दिलीप भाई इन्विटेशन देने के लिए शादी कार्ड में नाम लिख रहा है, तो यहाँ से हम लोग जाएंगे फरस गाँव। इस गाँव में इन्विटेशन देने के बाद फरस गाँव जाएंगे, उसके बाद वहां से जाएंगे अपने गाँव। अभी हम यहाँ से रवाना होने के लिए हेलीकॉप्टर में उड़ान भर रहे हैं। हेलीकॉप्टर उड़ान भरते भरते मेरे हाथ को लगा दिया, तो चलो हेलीकॉप्टर की उड़ान भरते मैं हाथ धो लेता हूँ। तो बस सीन यही है कि हम लोग अभी कोरा गांव में हैं। आप लोग देख सकते हैं पीछे का सीन, पूरा जंगल है, बहुत मोटे मोटे साल के पेड़ हैं, बोले तो शराई के पेड़ हैं। तो चलो दिलीप भाई भी पास आएगा तो उतना टाइम तक जाएंगे। और इस नल से हम लोग पानी पीने के लिए पानी भी भरे हैं, तो जल्द स्टार्ट करते रहे हेलीकॉप्टर। तो फाइनली भाई लोग हम लोग पहुंच गए फरस गांव के हाईवे रोड में, मतलब ये फरस गांव पहुंच गए। तो कुछ नाश्ता करेंगे, जाकर पेट पूजा करेंगे यार, भूख भी लगी है हल्की सी। अभी हम ऑर्डर किए थे भिंडी, करेला, प्याज और रोटी दाल, यहाँ पर अभी खा रहे हैं हम लोग फरस गांव के ढाबा में। तो भाई लोग हम लोग यहाँ पर मस्त खाए रोटी, भिंडी, करेला, प्याज और दाल, और स्प्राइट लिए है और मिश्री खा रहे हैं अभी। तो अभी हम लोग जाएंगे केसकाल से होते हुए अपने गांव। तो अभी हम घूमते घूमते अपने मामा गांव पहुंच गए, बोले तो दिलीप भाई के मामा गांव अड़ेंगा। यहां पर शादी कार्ड को छोड़ेंगे और बाकी को बांट देंगे, और बाकी को मामा जी बांट देंगे। तो आप लोग भी देख सकते हो जस्ट हम लोग पहुँच रहे हैं, सामने में है घर उनका, तो चलो चलते हैं। यहाँ पर भी दे दिए कार्ड, दिलीप भाई अंदर गया है कार्ड देने के लिए। तो ये फूल दिखा, थोड़ा सा सेंट ले लेता हूँ, अच्छा लगा। हाँ तो चलो चलते हैं, गाड़ी हमारी साइड में है, दिलीप भाई भी आ रहा है पीछे पीछे। भाई लोग अभी हम पहुँचे हैं विश्रामपुरी, कुछ देर बाद हम अपने गांव पहुँच जाएंगे। दोस्तों घूमते घूमते इधर उधर आए हैं, हमारा पूरा खुल्ला दर्द कर रहा है यार, क्या करेंगे अब, परिस्थिति ऐसी है, करना पड़ेगा भविष्य के लिए, भविष्य के लिए नहीं जो भी है। तो चलो मिलते हैं अपने गांव में डायरेक्ट। तो भाई लोग अभी मौसम खराब है, पानी गिर रही है दोस्तों, और मैं अभी अंदर जा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा टहलने के लिए गया था खाना खा के। तो इस ब्लॉग को यहीं करते हैं, आई होप आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं कल के अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।